हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु चिल्ला ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का सफर होगा शानदार, मजेदार और धमाकेदार। आज का सफर होगा ग्वालियर टू भिंड, वो भी ट्रेन रेल के साथ, लोपत गामिनी के साथ। तो आज का सफर कराएंगे हम रेल के साथ, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार होने वाला है। इस वक्त खड़े हुए हैं हम रेलवे स्टेशन के बाहर, अब लिए चलेंगे हम रेलवे स्टेशन के अंदर। यहाँ से नज़ारा दिखा पा रहे हैं हम आपको कि रेलवे स्टेशन का बाहरी दृश्य है। यहाँ बहुत बड़ा फ्लैग झंडा लगा हुआ है जो हम यहाँ से देख ही पा रहे होंगे। इस वक्त दोपहर का 1 बज चुका है। अब हम लिए चल रहे हैं आपको रेलवे स्टेशन के अंदर, आप बने रहिए हमारे साथ। आ चुके हैं इस बात प्लेटफार्म नंबर 1 पर, ग्वालियर स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 1 पर हम एंट्री कर चुके हैं। इस वक्त खड़े हम ग्वालियर के रेलवे स्टेशन पर। सामने पटरियां आप देख ही पा रहे होंगे, उस तरह प्लेटफार्म नंबर 2 है, 3 है, 4 है, इसी तरह क्रम से प्लेटफार्म है। इस वक्त हम खड़े हैं प्लेटफार्म नंबर 1 पर। नज़ारा हम दिखाई दे रहे हैं, सामने बोर्ड पर लिखा भी हुआ है। आज ट्रेन का सफ़र होगा शानदार। 2:30 पर हमारी गाड़ी है, वहाँ से हम जाएंगे सीधा, हमें भिंड उतारेगी, भिंड से हम घर की ओर रवाना होंगे। तो तब तक बने रहिए आप हमारे साथ और लीजिए इस सफ़र के मज़े। तो हम चलिए सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चढ़ रहे हैं और आपको दिखा पा रहे हैं प्लेटफार्म नंबर 1 का नज़ारा। और इससे हम ऊपर पहुँच जाएँगे और ऊपर से दूसरा दूसरा नज़ारा इसी के लिए दिखाएँगे। तो गाइस, यहाँ से प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 का रास्ता जाता है। ये रास्ता जाता है प्लेटफार्म नंबर 3 पर और ये रास्ता जाता है प्लेटफार्म नंबर 2 पर। तो ये चलते हैं प्लेटफार्म नंबर 3 पर। खड़े हुए और यहाँ 2 एक्सिट गेट हैं, एक प्लेटफार्म नंबर 1 एक्सिट गेट है और दूसरा प्लेटफार्म 4 पर एक्सिट गेट है। ये प्लेटफार्म नंबर 4 है, यहाँ भी टिकट घर की सुविधा है। तो यहाँ एक टिकट घर यहाँ देख पा रहे हैं। दूसरा पास में ही डीलक्स शौचालय है, यहाँ यात्रियों के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। डीलक्स शौचालय बिल्कुल पास में, प्लेटफार्म 4 पर और प्लेटफार्म नंबर 1 पर दोनों पर टिकट घर की और रुकने की ठहरने की व्यवस्था है। ये चलते हैं तुम्हें हम अन्य अन्य प्लेटफार्मों पर। प्लेटफार्म नंबर 4 के पास में खड़े हुए, सामने से हम स्टेशन के बाहर का नज़ारा यहाँ पर दिखलाएंगे। तो स्टेशन के बाहर का नज़ारा सामने से आप देख पा रहे हो, तो सामने की बिल्डिंग है वो गुरुद्वारा स्थापित है, उसकी बगल में सास बहू महल आवाज़ें गूंजती नज़र आ रही हैं। वो ट्रेन की आवाज़ें हैं, कितनी शानदार आवाज़ें यहाँ सुनाई दे रही हैं। तो यहाँ से दृश्य और भी हम आपको दिखलाते हैं। आज जिन पैसेंजर का प्लेटफार्म बदला गया है, 3 की बजाय आज 1 पर रहेगी। आज 1-3 पर बलराम एक्सप्रेस गाड़ी खड़ी हुई है, इसलिए वो प्लेटफार्म 1 पर रहेगी। हम इस वक्त खड़े हैं प्लेटफार्म 3 पर, सामने आपको दिखा रहे हैं एक्सप्रेस खड़ी हुई है। अब हम गंतव्य स्थान पर जाएंगे और अपना गाड़ी में पहुँचते हैं गाड़ी के पास और दिखाते हैं उसका नज़ारा। इसलिए ट्रेन को यहाँ रुकना पड़ा है। तो जहाँ भिंड अटेर मार्ग पर फाटक है, उसके समीप एक ट्रेन अभी रुकी हुई है। कुछ यात्री यहीं देख पा रहे हैं उतर रहे हैं, यात्री यहाँ से उतर रहे हैं। दोबारा चैन पुलिंग की गई,
लगभग आधे यात्री यहाँ उतर चुके हैं। आप पीछे देखेंगे तो आधे से ज़्यादा यात्री यहाँ उतर चुके हैं। तो अब हमने भी यही सोचा कि यहीं पर लेते हैं, तो मेन स्टेशन पर नहीं जा रहे हैं और यहीं पर उतर चुके हैं। अब आपको लिए चलेंगे ट्रेन से ट्रिप की ओर। तो ट्रेन का अंतिम सफ़र आप देख लीजिए, हम ट्रेन से नीचे आ चुके हैं। तो आज हमने ट्रेन का सफ़र करना है, तो आप बने रहें हमारे साथ।